भागवत का वक्ता पोइट हो, कभी भी रीड तुम, कवियों को भी तृप्त कर देने वाला, कवि के शब्दों में संकेत छिपा होता है। कवि संकेतित भाषा बोलते हैं, साहित्य से भरी, अलंकारों से भरी। किसी से कहा चंद्रमुखी, इसका मतलब ये नहीं है चंद्रमा ही उसका मुंह हो गया, इशारा है। एक भागवत का आश्रय उपस्थित महापुरुष किसी भी तरह संकेत करता है, उसका मूल लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही होता है। ब्रह्मा, शिव, नारद, खुद गोविंद, दुनिया में कृष्ण से बड़ा कोई कवि होगा? आपको मालूम है कथा सुनने इस पंडाल में सबसे पहले कौन आते हैं? सबसे पहला आसन हमारे श्री ठाकुर जी का लगता है। जैसे भक्तों को भगवान की कथा रस देती है, भगवान को भक्तों की कथा रस देती है, वो उनकी कथा सुनते हैं। भागवत जी में कृष्ण की इतनी कथा नहीं है, कृष्ण भक्तों की जितनी कथा है। इसलिए ये कथा ठाकुर जी को प्यारी है, ये भगवत वांछा है, भक्त वांछा ही नहीं है, ये भगवत वांछा कल्पतरु है।